वैशाली जिला के भगवानपुर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के भारत बंद के समर्थन में राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एनएच 22 पर मवेशियों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर आगजनी भी की और एनएच 22 को जाम कर दिया, जिसके बाद हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप हो गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर दीप जलाए और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला अत्याचार के खिलाफ केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। संपूर्ण भारत बंद है, देश में बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, लूट, बलात्कार, इन सब के खिलाफ बेरोजगारी छटनी हो रहा है। कर्मचारी का सब सारा ट्रेड यूनियन हड़ताल पर है। पूरे देश का बैंक से लेकर रेलवे निजीकरण हो रहा है। निजीकरण के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण भारत आज बंद है। इसका राष्ट्रीय जनता दल समर्थन किया है, इसलिए हम लोग आज पूरे सड़क पर उतर गए हैं कि जब तक ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन तो आज अभी तो अंगड़ाई है, बाकी लड़ाई बाकी है।